हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। फरज कुकिंग चैनल में आज हम आलू गोश्त की रेसिपी बनाएंगे। इसको बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है वो आप नोट कर लें। गोट मीट 2 पाउंड, आप इसकी जगह कोई अपनी पसंद का दूसरा भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ 4 से 5 अदद मीडियम ये आलू, आप इसको 4 पीसेस में इस तरह काट कर नमक लगे पानी में भिगो दें। 2 लार्ज साइज के कटे हुए प्याज, 3 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, जिंजर और गार्लिक की पेस्ट 3 टीस्पून, योगर्ट 3 टेबलस्पून। इसके साथ साथ जो इसके अंदर स्पाइस जाएंगे वो भी आप नोट कर लें। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, साल्ट 1 टीस्पून। आप जो स्पाइस है वो अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून ये कुटा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, कुकर के अंदर या फिर किसी भी देसकी के अंदर। सबसे पहले बर्तन में गोश्त डाल दें। यहाँ जो रेड चिली पाउडर, हल्दी और जो साल्ट है वो हमने इस स्टेज पे डालना है। इसके साथ साथ प्याज, टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो 1 कप इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। 1 कप पानी, अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, कुकर के अंदर या देशकी के अंदर। देशकी के अंदर बनाना हो तो फिर 2 कप पानी डाल के मीडियम आंच पर 40 से 45 मिनट के लिए रख दें, तो ये 70% गल जाएगा, फिर बाद में हम इसको भुनेंगे। अगर हमने इसको कुकर के अंदर बनाना है तो फिर 1 ही कप पानी डालें और इसको विसल चलने तक 10 मिनट के लिए इसको बंद करना रखना है हीट के ऊपर। इसके बाद हम इसको खोल लेंगे। मैं इसको कुकर के अंदर बना रही हूँ ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाए। अब विसल चलने तक 10 मिनट इसको चलने दूंगी। कुकर खोलने के बाद आप इसी के अंदर 1/2 कप ऑयल डालकर भून सकते हैं, या अलग से बर्तन में ऑयल डालकर इसको गोश्त को उसके अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। मैं अलग से बर्तन का इस्तेमाल करूंगी। यहां 1/2 कप ऑयल लें। हाफ कप ऑयल के अंदर सबसे पहले जीरा डालें, साथ ही मेथी डाल दें, और 1 मिनट के बाद ही इसके अंदर गोश्त डाल दें।
में ग्रेवी रह गई थी, इसलिए गोश्त को निकाल के पहले भून रही हूँ, फिर दोबारा जो ग्रेवी रह जाएगी उसको डाल दे रही हूँ। इसको 5 मिनट इसी तरह भूने। पांच सात मिनट मीट को भूनने के बाद इसके अंदर आप चंद 6 से 7 अदद ग्रीन चिली, अगर आप ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं तो उसको काट के डालें। मैं इसको इसी तरह डाल रही हूँ। साथ ही आलू डाल दें। अब मज़ीद इसको हमने 5 से 7 मिनट भूनना है। गरम मसाला, धनिया, योगर्ट को इसके अंदर डाल दें। आंच को मीडियम कर दें आप। आलू और गोश्त अच्छी तरह भुन चुके हैं, अब इसके अंदर जो ये ग्रेवी बची थी ये डाल देंगे। और 2 कप पानी इसके अंदर मज़ीद डाल देंगे। अब इसको कवर करके रख देंगे मीडियम आंच पर जब तक आलू ना गल जाएं। आलू के गलने के बाद हम इसको उतार लेंगे। आलू गोश्त तैयार हो चुके हैं। अब लास्ट में इसके अंदर ज़्यादा सा ये आप कटा हुआ धनिया डाल दें। इसको इसी तरह चूल्हे पे छोड़ देंगे तो जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। आलू गोश्त की रेसिपी तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मैं इसी तरह की अच्छी रेसिपीज लेके आपके पास हाजिर होंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।